आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों ने भी शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल उर्फ परवल प्रताप सिंह ने रविवार को एदमादपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों को सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण किया। फतेहाबाद रोड के नजदीक बसी पाशनाथ पंचवटी कॉलोनी ने कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार के हर प्रोटोकॉल का पालन किया है। अब जब ताजनगरी में मामले बढ़े तो पंचवटी परिवार ने खुद ही आचार संहिता निर्धारित कर ली है। आचार संहिता तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ अर्थदंड के साथ ही महामारी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। अब कॉलोनी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कॉलोनी में हर फ्लैट पर सूचना चस्पा कर दी गई है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बुलाने वाले को 5,000 रुपए का अर्थदंड तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही पंचवटी समिति संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराएगी। हमारे यहाँ पर ना कोई मेड आती है, ना ही कोई स्वीपर वगैरह आते हैं, जो अंदर के ही हैं, केवल वही लोग आएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ फल सब्जी दूध वाले किसी को भी नहीं आने देते हैं। रिश्तेदारों से भी अगर किसी को बात करनी है तो गेट के बाहर जा करके मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। कॉलोनी के अंदर किसी के लिए एंट्री नॉट अलाउड। सोसाइटी के अंदर ना कोई मेड आ सकती है अंदर, ना कोई कर्मचारी किसी भी तरह का बाहरी संबंधित कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं अंदर आ सकता। केवल छोड़ करके इंटरलेस कंपनी के जो चुनिंदा लोग हैं वही अंदर रहते हैं, और कोई बाहर का आदमी हमारी पंचवटी में एंट्री नहीं करता है। ना कोई सब्जी वाला, ना कोई दूध वाला, कोई भी नहीं। केवल फिक्स लोगों के अलावा कोई अंदर बाहर नहीं होता है। कॉलोनी में पंचवटी परिवार ने समाजसेवी श्याम भोजवानी के नेतृत्व में गरीबों को खाना भी पुलिस के माध्यम से उपलब्ध कराया है। ताजनगरी में जब कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू किया तो खुद ही कमेटी ने खुद को सुरक्षित करने का निर्णय ले लिया है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।